हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज मैंने पिकॉक का पेपर मास्क बनाया है, तो चलिए इसे बनाना देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने एक रफ़ पेपर लिया है, जिस पर मैंने एक पिकॉक का जो है मास्क ड्रॉ किया हुआ है, और ये आई हम यहाँ पर कट कर लेंगे। आपको पेपर जो है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नहीं तो आप 22x22 इंच का पेपर ले सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से हमें एक और पेपर लेना है जो कि इसके पेपर के नीचे रखना है और आई ड्रॉ करनी है। ये फोल्ड करके रखा हुआ है पहले से ही मैंने पेपर, तो ये यहाँ पर मैं आई के चारों तरफ थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी, जो कि मोर की आँख के जो डिज़ाइन होता है थोड़ा सा उसका लुक आ जाएगा। तो ये हम कट कर लेंगे, अंदर का पार्ट कट करके हटा देंगे। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। आप कैंची से या पेपर कटर से किसी भी चीज़ से इस तरीके से कट कर लेंगे। और ये जो मैंने पेपर लिया है, ये फोल्ड किया हुआ पेपर है, तो ये दोनों आँखों पर आ जाएगा। इस तरीके से हमें कट करके एक्स्ट्रा पेपर को अलग कर देना है। ये देखिए ऐसे। अब हमें एक और पेपर ऐसे ही फोल्ड किया हुआ लेना है, और जो मोर की आँख के ऊपर जो आईब्रो जैसा डिज़ाइन होता है वो हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और इसे भी हम कट करेंगे। तो ये भी हमारा रफ पेपर पर कट हो रहा है। जिस पेपर पर हमें कट करना है वो हम बाद में ड्रॉ करेंगे उस पर, तो पेपर वेस्ट ना हो, इसी वजह से हमने ये रफ पेपर पर पहले ऐसे कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो मास्क है इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसकी भी कटिंग हो गई है। अब हमें अपना पेपर लेना है, तो इसे अलग हटा देते हैं हम। और ये देखिए, ये है हमारा पेपर जिस पर हमें ये मास्क रख के ड्रॉ करना है। ये हैंडमेड पेपर के नाम से भी आता है और क्रश पेपर के नाम से भी आता है। तो ये इस पर हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे और फिर कट कर लेंगे, तो इससे पेपर वेस्ट नहीं होगा हमारा। तो ये इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा ड्रॉ भी हो गया और कट भी हो गया। और ये जो वाइट पेपर से हमने आई बनाई थी, तो ये यहाँ पर हम इसे चिपका देंगे फेविकॉल से। ये देखिए चिपक गई है। और ये वाला जो पेपर आईब्रो जैसा जो हमने कट किया था, ये हम ग्लिटर शीट पे कट करेंगे। इस तरीके से रख के ग्लिटर शीट को उल्टा कर लेना है और पेंसिल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और कट कर लेती हूँ। कट करने के लिए आप सीजर का भी यूज़ कर सकते हैं और पेपर कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको सुविधा लगे उससे आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए कट कर लिया मैंने, और ये ऐसे चिपका देंगे हम। ये चिपक गया है। और अब हमें क्या बनाना है, बीक बनानी है इसकी। तो येलो क्रश पेपर लिया है मैंने यहाँ पर, और इसे इस तरीके से कॉर्नर पे से ऐसे मोड़ के और ऐसे कर लेना है, और इसे इस तरीके से कट कर लेना है। और ऊपर की साइड में हमें ऐसे कट लगाना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है, और जो फोल्ड किया हुआ है उसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के फेविकोल से चिपका लेना है पहले, और इस तरीके से लग जाएगी ये बीक। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के ऐसे लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा पेपर हमने कट कर दिया नीचे से, और ये इस तरीके से चिपक गई। और अब हमें बनाना है मोर पंख। तो मैंने पहले से ये रफ पेपर से कट करके रखे हुए हैं, तो शेप आप देख लेना, उसी तरीके से आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जैसे पत्ती होती है फ्लावर की, तो ये इस तरीके से कट किया है। तो ये यहाँ पर मैं इसे रख के ड्रॉ करके और इसे कट कर लूँगी। मैं टोटल 6 मोर पंख बनाने वाली हूँ, तो मुझे 6 पेटल्स ड्रॉ करनी है हर शेप्स की। तो ये देखिए इस तरीके से मैं हर शेप की 6 पेटल बना लूँगी इस तरीके से। ये ग्रीन पेपर है,
पैरेट ग्रीन पेपर, और यहाँ पर मैं लूँगी ये यहाँ पर ऑरेंज वाला पेपर, और ये है डार्क ब्लू पेपर। इस तरीके से मैं सर्कल कर लूँगी हाथ से ही। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए सभी शेप्स के हमारे पास ये पेपर हैं कट किए हुए। अब हमें इन्हें चिपका लेना है। ये देखिए किस तरीके से चिपका रही हूँ मैं, पहले इसके ब्लू पेपर के ऊपर ग्रीन, और फिर ग्रीन के ऊपर ऑरेंज, और ऑरेंज के ऊपर ये डार्क ब्लू। ये लटा के इस तरीके से हमें ऐसे चिपका लेना है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कट लगाने हैं, जैसे कि फैदर होते हैं मोर पंख के, उसमें बाल जैसे होते हैं, इस तरीके से हमें पतले पतले कट लगाने हैं। और जो हमने ग्रीन पेपर लिया है ब्लू और ग्रीन, उस तक ही कट लगाने हैं, ग्रीन पेपर तक। तो ये हम कट लगा लेंगे दोनों तरफ इस तरीके से, पास पास कट लगाने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें कट लगा लेने हैं आराम आराम से। तो ये देखिए ये सभी कट लग गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मोरपंख बनकर हमारा तैयार है, जो कि यहाँ पर हम चिपका देंगे ऐसे। तो सिक्स हमें तैयार करने हैं। देखिए सिक्स तैयार कर लिए हैं, और अब हम थ्री वन साइड और थ्री दूसरी साइड इस तरीके से हमें ये चिपका लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से तीन एक साइड चिपक गए हैं, और तीन दूसरी साइड चिपका लेंगे इसी तरीके से। तो नहीं तो ये, अगर हम नहीं चिपकाएंगे तो ये सिंपल बर्ड का मुंह लगेगा, बर्ड का मास्क लगेगा। तो इसी वजह से हमने ये थोड़ा सा लुक दिया है मोर का, मोर पंख चिपका के। अब हमें बनानी है इसकी कलंगी। तो मैंने ये स्ट्रिप ली है पेपर की, पतली पतली छोटी छोटी, ऐसे इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है हाथ से। और मैंने यहाँ पर फोर स्ट्रिप ली है, तो फोर की हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कलंगी बनाने के लिए। ये देखिए, और अब हमें इन्हें एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से स्टिक कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अब हमें ये कलंगी जो मोर के माथे पर होती है उस तरीके से ऐसे चिपका लेनी है। ये मास्क हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें होल करेंगे डोरी बांधने के लिए या फिर इलास्टिक बांधने के लिए। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक का यूज़ करूँगी, ये जो पतली वाली इलास्टिक आती है वो इलास्टिक है। इस तरीके से हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से। तो ये हम पार्टी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है उसमें यूज़ कर सकते हैं, या बर्थडे पार्टी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी मर्जी आपको, उसी तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर बना है ये मोर का पेपर मास्क। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।